हेलो एवरीवन, वेलकम माय थ्री एस लॉर्न इलेक्ट्रिकल वर्क। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है एलएमडब्ल्यू रिंग फ्रेम। रिंग फ्रेम का मॉडल नंबर कौन सा है? मॉडल नंबर LR9AXL। तो इसका जो डॉफर है, ये जो डॉफर को आपको अप डाउन कैसे करने का मैनुअल में, और इसमें इलेक्ट्रिसाइड में क्या क्या यूज हुआ है, इसके बारे में आज का जो टॉपिक है। जैसा मैंने उसको मैनुअल में अप डाउन करता हूँ, तो ये मैनुअल में अभी बंद है मशीन अभी, तो इसमें मैनुअल में इसको अप डाउन कर रहा हूँ। तो इसको आपको कैसे मैनुअल में अप डाउन करने का है, और इलेक्ट्रिसाइड में इसमें क्या क्या यूज हुआ है, और वो कैसे काम करता है, अभी चलता हूँ लेके आपको डिस्प्ले के पास। LMW का LR9XL का डिस्प्ले है। डॉफर को मैनुअल कैसे चलाने का, सेटिंग पे जाने का, ये जो डॉफर राइट साइड में है, डॉफर को टच करने का, उसके बाद नेक्स्ट जाने का। ये जो ऑटो कंटिन्यूस है, इसको क्या करने का, अब इसको मैनुअल पे रखने का, पासवर्ड डाल के मैनुअल पे रखने का। अब मेरा पासवर्ड मार दिया है पहले से, अभी मैनुअल पे रख दिया इसको मैंने, अभी क्या करने का उसको मैनुअल पे चलाने का। ये देख सकते हो, अभी जो तुम्हारा सेंस किया हुआ है सेंसर, वो क्या है, B7 है, इन वाला जो सेंसर है B7 है, वो सेंस किया हुआ है पहले से, इधर ब्लू लाइट आ रहा है। तो अभी मैं उसको क्या करता हूँ, आउट करता हूँ। ये हो गया तुम्हारा, देखो आउट कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। उधर डॉफर देखो आउट हो रहा है धीरे धीरे। आउट होगा तो क्या होगा, तुम्हारा B8 सेंस हो जाएगा। B8 सेंस हो गया, इधर देखो सेंस हो गया, तो मतलब उससे आगे नहीं जाएगा वो। अभी उसको मैं क्या करूँगा, ऑफ पे लूँगा। अभी ऑफ पे लूँगा मतलब वो ऊपर जाएगा। वो क्या, रेफरेंस देने के लिए एक बार ऊपर लेना पड़ता है, उसके बाद जाके तुम जीरो कर सकते हो। अभी ऊपर हो गया, 226 पे आ गया। ये देखो B4 ये काउंट कर रहा है, ये जो 226 लिखाई दे रहा है ये B4 काउंट करता है। और ये जो तीनों है तुम्हारा B3 B7 B8 है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, डाउन लेता हूँ जीरो करने के लिए, वो डाउन लेता हूँ। जब जीरो हो जाएगा आपका लिख के आ जाएगा ऊपर में साइड में कि वो रेफरेंस ले लिया, B14 सेंस हो जाएगा। तो देखो अभी रेफरेंस टेकन लिख लिया, तो वो क्या हुआ, अभी B14 सेंस हो गया, उसका आउटपुट आया। तो अभी मिल गया PLC को, क्योंकि डॉफर जीरो पोजिशन आ गया। अभी जीरो पोजिशन आ गया तो अभी उसको मैं क्या करूँगा, अभी और एक बार उसको ऊपर उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो जब रेफरेंस लेगा, वो जो उसका इन का पोजिशन जितना होता है 28, 24 या 27, उतना पोजिशन आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक अपना वो ले लेगा इन वाला पोजिशन। तो अभी मैं नीचे कर रहा हूँ उसको, नीचे कर रहा हूँ क्या, अभी वो स्वयं इन का पोजिशन लिख के आ गया। अभी जितना भी डाउन करेगा वो डाउन नीचे जाएगा ही नहीं, उतना पे रहेगा, वो क्या रेफरेंस ले लिया। तो अभी इसको मैं इन करूँगा, अभी B8 सेंस हो गए है, अभी ब्लू लाइट पे B8 पे है सेंस, और मैं इसको स्वयं इन पे रख लिया, तो वो इन हो रहा है अभी। अभी B7 सेंस कर लिया, अभी B7 सेंस कर लिया, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो टिक दिखाई दे रहा है वो B7 सेंस किया, तो क्या हुआ, वो इन हो गया पूरा, पूरी तरह से वो इन हो गया। अभी मतलब वो रेफरेंस लेके इन हो गया। आपका B3 जो होगा, B3 क्या होता है, इंटरमीडिएट में जब आता है उस वाला पोजिशन को सेंस करता है, और B8 जो है वो आपका आउट हो जाएगा पूरा तरह से, जो तब ये सेंस करेगा। अभी आपका ये डॉपर इन हो गया है। तो डॉपर कैसे काम करता है उसके बारे में जानना है आपको, तो पहले जानना पड़ेगा दो भाल्व रहता है, कि इन के लिए और एक आउट के लिए। और जो बीच वाला वो आपका B4 होता है, वो क्या करता है, वो काउंटिंग करता है। काउंटिंग मतलब डॉफर कितना रेंज पे जाएगा, कितना रेंज पे होना चाहिए उसका, वो पहले से प्रोग्रामिंग हुआ है, वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से वो चलता है। और जो डॉफर को अप डाउन करता है, आपका बीच में एक डॉफर मोटर लगा है, वो क्या होता है, वो आपका मोटर के थ्रू से वो अप डाउन होता है। और आउट इन के लिए दो वाल्व लगा गया है, दो वाल्व के थ्रू से, मतलब हेड स्ट्रोक में दो लगा है और टेल स्ट्रोक में दो लगा है, चार वाल्व से ये चलता है पूरा। और एक डॉफर बटर मोटर बीच में रहता है, जो क्या करता है, आपका डॉफर को अप डाउन करने के लिए वो काम करता है। और जो आपका एक B4 सेंसर है, वो आपका क्या करता है, वो पोजीशंस काउंट करने के लिए, पोजीशन मतलब आपको इधर जो आता है पोजीशन, ये 30 लिखा है ना, अभी 30 पे ये पहले से मतलब प्रोग्रामिंग किया गया है कि 30 होगा तो वो इन लेना चाहिए। तो उसका इंटरमीडिएट कौन सा पोजीशन है, उसका भी एक प्रोग्राम रहता है PLC के अंदर, वो जो आपका प्रोग्राम रहता है वो क्या होता है, उतना काउंट करेगा B4, तो उतना के अंदर में वो अपने आप काम करेगा। अभी चलते हैं आपका जो B4 वाला सेंसर है और डॉपर मोटर है और वाल्व है, उसके साइड में चलते हैं। ये जो आपका, ये जो रेफरेंस टेकन के लिए रेफरेंस जो लेता है आपका, ये B14 है, जो आपको अभी दिखा रहा था कि रेफरेंस जीरो हो जाता है तब ये आपका ये सेंस करेगा, तब जाके जीरो होगा। वो जीरो होने के बाद ही वो उसके बाद ही इन होता है। क्यों इन होता है, ये जीरो हो जाएगा, उसके बाद जितना स्टेप जाएगा 30 मतलब 27 या 24, जितना भी आपको रखना है इसको आगे पीछे करोगे तो ये आगे पीछे भी हो सकता है। इसके थ्रू से आपका जो बबिन का हाइट रहता है, कितना में होम पोजिशन होना चाहिए, वो इधर से भी होम पोजिशन करवा सकते हो तुम। और उसके बाद ये जीरो होने के बाद वो आपका जितना लेना चाहिए, 30 या जो भी है प्रोग्रामिंग होता है, 30, 27, 24 जितना पे रखना है आपको उतना पे इन होगा। अभी ये आपका 30 पे इन है। ये आपका जो तीनों सेंसर है,
ये देखो, ये हो गया आपका आउट वाला सेंसर है, B8 है, ये वाला बीच का जो है आपका B3 है, B3 मतलब इंटरमीडिएट पे आएगा तो B3 सेंस करेगा, और ये आपका नीचे वाला B7 है, B7 क्या है, इन पे है, इन पे मतलब अभी डॉपर इन पे है, इसलिए आपका B7 ये सेंस है। B3 पे आएगा जब वो इंटरमीडिएट का सिग्नल देगा, और B8 जब आएगा वो आउट पे, अभी कौन सा पोजिशन पे है, वो पूरा इन वाला पोजिशन पे है, तो आपका ये B7 ये मतलब सेंस है। अभी लाइट जल रहा है, देखो ये लाइट जल रहा है, ये जो आपका दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला पिस्टन है, ये साइड में देखो ये पिस्टन है, ये पूरा ये आउट इन के लिए एक बड़ा सा पिस्टन लगा है, और ये दो कॉयल है, देखो ये दो कॉयल है, वो कॉयल ये एक है और ये एक दो कॉयल है ना, तो इधर से लिखाई है ये क्या 32A है, 32A मतलब ये आउट वाला है, और जो ये है 31A है ये इन वाला है, इसमें जब कॉयल को सप्लाई आएगा इसके थ्रू से पिस्टन में आउटपुट निकल के वो क्या होगा इन के लिए वो प्रेशर निकलेगा, और ये जो है आपका आउट के लिए है। ऐसा दो कॉयल मतलब आगे भी और एक कॉयल लगा है और एक पिस्टन है, दो पिस्टन और चार कॉयल से ही चलता है आपका ये जो पूरा डॉपर है, आगे वाला आपको दिखाऊंगा, अभी पहले चलते हैं जो B4 सेंसर है आपका काउंटिंग वाला, और जो डॉपर मोटर है उसके बारे में पहले दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जो आपका आ गया ये बीच में रहता है, ये क्या करता है, इसके अंदर एक गियर लगा रहता है जो पूरा डॉपर को घुमाता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा खोल के, ये पहले आप देख लो, इधर जो डॉपर मोटर रहता है वो डॉपर मोटर, ये रहा आपका डॉपर मोटर, ये जो है अंदर में वो डॉपर मोटर है, उसके सामने गियरबॉक्स है, वो डॉपर मोटर है उसके सामने गियरबॉक्स है, ये वाला गियरबॉक्स है, इसके थ्रू से पूरा डॉपर को उठाता है, गियरबॉक्स के थ्रू से वो लोड लेके उठाता है। ये B4 सेंसर का क्या होता है, तो 5 का बोल्ट रहता है, मैं खोल दिया हूँ, अभी ये कवर हटाने का, कवर के पास एक सेंसर रहेगा, सेंसर क्या करते है, जो आपका जो गियरबॉक्स है ये थ्रेड रहता है इसका, ये थ्रेड रहता है, देखो ये वाला थ्रेड, वो थ्रेड को काउंटिंग करता है, ये जो थ्रेड है आपका वो सेंसर के सामने एक थ्रेड है, वो थ्रेड को वो क्या करता है, थ्रेड को काउंट करता है, वो उसी जितना राउंड घूमेगा उसी राउंड के हिसाब से प्रोग्रामिंग हुआ है, उसी के थ्रू से वो आउट इन होता है। तो आपको दिखा दिया B4 सेंसर, ये जो आपका कवर दिखाई दे रहा है इसके अंदर एक प्रेशर स्विच रहता है, B15 प्रेशर स्विच रहता है, क्या होता है, ये जो आपका बॉबिन है, ये जो ग्रिपर लगा है, ग्रिपर जो लगा है, ये ग्रिपर, ये क्या होता है, जब बॉबिन पकड़ता है ये ग्रिपर में, वो क्या करता है, आउटपुट भेजता है कि भाई हाँ ग्रिपर पकड़ लिया, उस टाइम पे इन्फ्लेट बोलते हैं उसको, इन्फ्लेट पकड़ता है बॉबिन को, एक आउटपुट भेजता है कि हाँ भाई बॉबिन पकड़ लिया, जब तक ये प्रेशर स्विच ऑन नहीं होगा आपका आगे वाला प्रोसेस चालू नहीं होगा, ये प्रेशर स्विच से एक सिग्नल जाता है, इसको B15 बोलते हैं, ग्रिपर प्रेशर स्विच। और जो आपको बोला था मैं आगे एक पिस्टन रहता है आउट इन के लिए, दो पिस्टन लगा रहता है, वो पूरा आगे हिस्से में रहता है, लास्ट वाला जो पोजिशन होता है लास्ट का थोड़ा ही बीच में ही वो पिस्टन आता है। ये देखो ये दूसरा वाला पिस्टन है, ये दूसरा वाला पिस्टन है जो डॉपर आउट इन के लिए है, और इधर दो कॉयल है, ये देखो इसमें क्या लिखा है 31, ये 31 है जो ये आपका इन वाला है, और 32 होगा इधर, 32 जो होगा वो आउट वाला है। पहले आपको Y31A दिखा दिया था और Y32A दिखाया था, तो ये साइड में क्या है आपका Y31 है, Y32 है, ये दोनों एक कॉल आउट इन के लिए यूज किया जाता है। अभी चलो चलते हैं, आपका जो एक चीज नहीं बताया था, इनप्लेट और डिप्लेट कैसे होता है, वो मैनुअल ऑटो में तो होता ही है, आपको मैनुअल कैसे होता है, अगर मैनुअल करना है तो कैसे होता है आपको दिखाता हूँ। चलो डिस्प्ले में मैं क्या क्या हूँ, इंटरमीडिएट पे एक बॉबिन रख दिया हूँ, उसको आपको इन्फ्लेट और डिफ्लेट करके दिखाता हूँ। अभी क्या है आपका बॉबिन है, बॉबिन को मैं इन्फ्लेट करके दिखाता हूँ, अभी बॉबिन पकड़ लिया, तो मैं उसको उठा के देखता हूँ, अभी देखो बॉबिन पकड़ लिया है, अभी उसको फिर से डाउन करके दे रखता हूँ, छोड़ दिया, अभी उसको मैं डिफ्लेट करके दिखाता हूँ, जो आपका बॉबिन पकड़ के रखा है उसको डिफ्लेट करता हूँ, तो क्या हुआ, डिफ्लेट कर लिया, अभी देखो बॉबिन छोड़ दिया होगा, देखो छोड़ दिया बॉबिन, अभी इसको फिर जैसे पोजीशन था उसको उसी ही पोजीशन पे लेके रख देता हूँ, आउट
उसके बाद ही डाउन करने का, जब तक भी आपका बी8 नहीं सेंस करेगा तब तक आउट मतलब डाउन अप डाउन नहीं करने का है। बी8 सेंस होगा तब जाके ही अप डाउन करने का। अभी डाउन ले लेता हूँ जीरो वाला पोजीशन पे। ये देखो स्वाइन इन वाला पोजीशन दिखा रहा है, लेकिन नहीं मेरे को रेफरेंस दे कि और एक बार ये करने का। ये जीरो वाला देखो ले लिया, अभी ये जीरो लिखा हुआ है, जीरो रेफरेंस ले लिया, इधर रेफरेंस आ गया आपका। अब क्या करने है, जीरो वाला जो लिया है इसको मैं अभी फिर बीम अप करता हूँ। और क्या अभी बीम डाउन करता हूँ जब तक रेफरेंस वाला पोजीशन नहीं ले रहेगा, अब तक रेफरेंस नहीं देने का। देखो इधर स्वाइन इन पोजीशन पॉसिबल लिखा था, 31 ले लिया अपना। अभी इसको मैं स्वाइन इन करता हूँ, जब तक स्वाइन इन होगा तब क्या होगा आपका B7 वाला सेंसर है ना वो सेंस कर लेगा। अभी मैं स्वाइन इन पे ले रहा हूँ, आपका B7 वाला जो सेंसर है वो सेंस हो गया, अभी मतलब उसका पोजीशन वो ले लिया। अभी इसको क्या करने का, लेके आपका जो मैनुअल हुआ था अभी इसको, ये जब तक आपका नहीं लेगा रेफरेंस तब तक वो ऑटो कंटिन्यूस पे रखोगे तो रेफरेंस नहीं लेगा, अपने आप बैठ जाएगा। तो इसको ऑटो कंटिन्यूस पे मैं रख लिया, अभी लॉगआउट मार देने का हो गया।